आपका आईटीआर अकाउंट है और आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आप चेंज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आईटीआर सर्च करना है और इसकी वेबसाइट देखेगी ऊपर, तो वहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको अपनी आईटीआर आईडी लॉगिन करनी है, तो लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे ऊपर, और लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालनी पड़ती है। ये यूज़र आईडी आपका जो पैन कार्ड होता है ना, पैन नंबर, वही होता है, तो पैन नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब नीचे आपको पासवर्ड देना है, तो लॉगिन बटन के नीचे बॉक्स से बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके नया पासवर्ड बना सकते हैं, फिर उसके बाद पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे तो आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल में, अपडेट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले मोबाइल चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर अपना डालेंगे जो भी आपको डालना है। फिर मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी होती है, कंट्री चूज करेंगे तभी ये मोबाइल नंबर लेगा। फिर मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे देखो मैं भूल गई थी, फिर मैंने यहाँ पे कंट्री चूज़ किया। अब इसके सामने एक ऑप्शन आएगा कि मोबाइल नंबर किससे रिलेटेड है, वो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेल्फ चूज़ किया। नीचे सेकेंडरी का ऑप्शन है, अगर आप कोई और नंबर भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा नंबर। अब यहाँ पे आपको मेल आईडी डाल लेनी है, मेल आईडी के बाद एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस चेंज करना है एड्रेस डाल लेंगे। एड्रेस डालने के बाद नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट करना है। आपकी एड्रेस, डिटेल, मोबाइल सब कुछ सेव हो चुकी है। अब आप गो बैक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं फ़ोटो चेंज करना बताऊँगी, तो यहाँ पे आपको जो डिटेल दिख रही है प्रोफाइल की, प्रोफाइल पे यहाँ पे आपको दिखेगा सिटीजनशिप का ऑप्शन और एक वैलिड पासपोर्ट का ऑप्शन, तो सिटीज़न पे आपको इंडियन चूज़ करना है। फिर रेजिडेंस चूज़ करना है, इंडियन रेजिडेंस। फिर उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट नंबर है, तो यस या नो करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी इतनी डिटेल सेव हो चुकी है। अब लास्ट ऑप्शन है फ़ोटो चेंज करने का। फ़ोटो चेंज करने के लिए फ़ोटो के कॉर्नर पे एक आपको कैमरा आइकन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक चाहे तो आप अपने पीसी से अपलोड कर सकते हो और या तो आप आधार वाली फ़ोटो को ही अपलोड कर सकते हो। तो हमें अपलोड करना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो चूज़ करेंगे अपने पीसी से, उसके बाद ओपन कर लेंगे, यहाँ पर हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अगर आप इसे डिलीट करके दूसरा यूज़ करना चाहते हैं तो डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से अपलोड कर लेंगे, या तो आधार वाली फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल चेंज हो चुकी हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।